नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं ठुमका लगाना, क्योंकि बिना ठुमकों के तो हर डांस अधूरा है, और जिनको बिल्कुल कमर चलानी नहीं आती है। तो मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें हमने कमर चलाना सिखाया था आपको। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके बिल्कुल बेसिक से कमर चलाना सीख सकते हैं। और जब आप कमर चलाना सीख जाएंगे तो ठुमके लगाना तो सीख ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला ठुमका देखते हैं। आपको एक पैर बाहर की तरफ रखना है और एक पैर पीछे की तरफ, ठीक है? अब आपको कमर किस तरीके से चलानी है। 1 2 जो आगे पैर रखा है उस साइड की कमर को पहले हम बाहर की तरफ निकालेंगे, और जो दूसरे वाली साइड की कमर है उसे पीछे की तरफ। और जब आगे ले जाएंगे अपने पैर को तो पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे दोनों, 1। और जब कमर को पीछे की तरफ लाएंगे तो घुटने जो है वो हल्के से बेंड हो जाएंगे इस तरीके से। ये था 2। मैं एक बार साइड से दिखा देती हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 1 2 3 4 और आपको हाथ किस तरीके से रखने हैं इस पे। एक हाथ जिस साइड के पैर को हमने बाहर निकाला है उस साइड के हाथ को हम कमर पे इस तरीके से रखेंगे, और जो दूसरा वाला हाथ है उससे उसकी कलाई को इस तरीके से पकड़ेंगे। ये सबसे बेसिक है, क्योंकि इसी से स्टार्ट भी कर सकते हैं आप गाने को ना। ये और क्या करना है, 1 2 3 4। जब म्यूजिक स्लो होगा तो आपको ठुमके स्लो मारने हैं, और जब म्यूजिक फास्ट होगा तो आपको ठुमके फास्ट मारने हैं। तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, पहले स्लो करके बताती हूं मैं आपको। 1 2 3 4 आप फास्ट, 1 2 3 4। तो चलिए सेकंड ठुमका देखते हैं। पैर को दूसरे पैर के पीछे ले जाना है इस तरीके से, उठा के और उसे वापस आएंगे झटके से। 1, झटके से ही कमर वापस आएगी। 1। इसके बाद पहले आपको ये प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, जब आप झटके के साथ इसे वापस लाने लग जाए पैर को, उसके बाद आपको एक और स्टेप मिलाना है इसमें, वो क्या रहेगा, बाउंस। 1 2 यहां से वापस लाए पैर, 1 2 कमर कैसे चलानी है आपको, 1 2 ओके। तो पूरा स्टेप क्या रहेगा, 1 1 2 1 1 2 1 1 2। याद रखिएगा, जब आप अपने पैर को पीछे ले जाते हैं तो आप गर्दन को भी साथ में ही मूव करेंगे। पैर पीछे तो गर्दन पीछे, पैर वापस तो गर्दन भी पैर के साथ वापस। तो एक बार काउंटिंग के साथ दोबारा करते हैं स्टेप को। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इस पे आप इस तरीके से स्टेप कर सकते हैं, एक हाथ सिर पे रखेंगे इस तरीके से और एक कमर पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हरियाणा का ना मोस्ट फेमस ठुमका है, अगर आपने इसे सीख लिया ना तो हरियाणवी गाने पे धमाल मचा देंगे। तो चलिए थर्ड ठुमका देखते हैं। आपको किसी भी डायरेक्शन में अपना फेस करना है। आपकी अगर राइट वाली कमर बहुत ज्यादा अच्छी चलती है, बिल्कुल स्मूथ चलती है, तो आपको अपना फेस लेफ्ट की तरफ करना है। और अगर लेफ्ट वाली जो कमर है वो बहुत ज्यादा अच्छी चलती है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से एकदम आप ठुमके बड़े मस्त लगाते हैं, तो आपको अपना फेस राइट की तरफ करना है इस तरीके से। और जो आगे वाला पैर है उसे आपको थोड़ा सा आगे निकाल के रखना है। अब इस पैर को आपको हल्का सा उठाना है। अगर आपका बॉडी पे बैलेंस बहुत अच्छा है, आप कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसे तरीके से डगमगाते नहीं है, तब तो आप अपने पैर को उठाइए थोड़ा सा ऊपर, नहीं तो इतना। और अगर बिल्कुल बिगनर्स है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल नीचे भी अपने पैर को रख के ये स्टेप को कर सकते हैं। अब आपको कमर किस तरीके से चलानी है, पैर आपको करने ट्विस्ट। 1 2 3 4 सेम यही ऊपर, 1 2 3 4 कमर भी आपको इसी के साथ चलानी है। जब पैर बाहर तो कमर बाहर की तरफ, और जब पैर अंदर तो कमर भी अंदर की तरफ। तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, 1 2 3 4 नीचे से, 1 2 3 4
इतना आपको समझ में आ गया, तो चलिए चौथा ठुमका देखते हैं। अब जैसे हमने सेकंड में पैर चलाए थे ना, वही चलाने पीछे नहीं ले जाना, जो हमने बाउंस किया था पैर वो चलाना है। हमें वन वन टू थ्री फोर, और कमर किस तरीके से, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। ये अगर आपने स्टेप सीख लिया ना, तो बहुत सारे जगहों पर बहुत सारे सॉन्ग में से यूज करके अलग अलग स्टेप बना सकते हैं। आप सामने खड़े होके भी ये ना स्टेप बना सकते हैं, या फिर आप राउंड ले सकते हैं स्टेप में। किस तरीके से, मैं आपको दोनों करके बता देती हूँ। आप सामने खड़े हुए हैं, आप ये कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर, कमर चल रही है, ठुमका लग रहा है, स्टेप भी हो रहा है, वन टू थ्री फोर। या फिर आप कमर पे हाथ रख सकते हैं, वन टू थ्री फोर। आप राउंड किस तरीके से ले सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। या फिर आप इस तरीके से ले सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। और जब आप राउंड लेना, तो आप जिस पैर को चला रहे हैं उसी साइड में अपनी अपर बॉडी को हल्का सा मोड़ लीजिएगा, तो ये और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगा जब आप इसे करेंगे। तो एक बार काउंटिंग के साथ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो एक बार सारे स्टेप को दोबारा देखते हैं। पहला ठुमका वन टू थ्री फोर, दूसरा ठुमका वन टू थ्री फोर, तीसरा ठुमका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, चौथा ठुमका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको सारे ठुमके समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, बाय।